पिंकी, तुम रजत के सामने टॉवल में आई हो? हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आज तुमने दवाई खाया? चलो रूम के अंदर, चलो चल बैठ इधर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। चुपचाप से हाथ दे अपना। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। चुप, मुंह बंद कर। मैंने कितनी बार बोला है कि रूम के बाहर मत निकला कर, पर मेरा एक भी बात नहीं मानती है ना। अब बाहर निकल के देखो। प्लीज प्लीज, अब किसी के सामने बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझी? कुछ दिन रुक जा, उसके बाद मैं खुद तुझे पागलखाना में भर्ती कर दूंगा। और ये ढीला कैसे होता है तो मैं टाइट। प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज। वो बंद रख, चुप जा, यहाँ पर बैठी रह, समझी? क्या हुआ भाई, पिंकी ठीक तो है ना? पिंकी का दिमागी हालत दिन पे दिन और खराब होते जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दवाई लेना भी भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो कब क्या कर रही है। मैं एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, तू कहे तो मैं पिंकी के लिए अपॉइंटमेंट ले लूँ। भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। खा दवाई, खा खा। साली थूकती है, रुक। प्लीज 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 प्लीज, हाथ छोड़ दो। पी पानी, खा। शॉक दूंगा ना तब तेरी अकल ठिकाने। नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो। चुप, रजत कैसा है तू? और भाई कैसा है, काम से आया था इधर, सोचा तुझसे मिलता चलूं। अच्छा चल, सही किया। आ अंदर। और क्या पिएगा, चाय की कॉफी? चाय ही पिला दे। जैसा बनाऊंगा वैसा पीना पड़ेगा, क्योंकि तो है नहीं घर में। ठीक है यार, चल मैं लेके आता हूँ। पी के पता कैसे बने। तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हें मैं मना किया था ना, मार खाने का आदत हो गया तुम्हें। तुझे तो मैं बताता हूँ, बाहर कैसे आई? छोड़ो मुझे, बहुत सहेलियां मैं, लेकिन अब और नहीं। रजत, तुम जिसे अपना दोस्त मानते हो ना, वो दोस्त नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। वो दिन रात मुझे मारता है, पीटता है, डराता है, धमकाता है। वो मुझे पागल होने के लिए दवा देता है ताकि मैं पागल हो जाऊं। वो ना मुझे किसी से मिलने देता है और ना किसी से बात करने देता है। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। मैं दिन रात भूखी प्यासी एक कमरे में पड़ी रहती हूँ। पर तुम लोगों ने तो लव मैरिज की थी, फिर ये तुम्हें क्यों मारेगा? क्योंकि ये एक नंबर का लड़कीबाज है और मैंने इसे दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। बहुत जुबान चलाने लगी है ना अपना, वो बंद रख। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं रजत को सच्चाई बताकर ही रहूंगी। जब से मैंने इसे दूसरी लड़की के साथ पकड़ा है, तब से इसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे नहीं, मार खा के सुधरेगी तू। संजय, अगर तूने इसे हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भी कोई दोस्त है। भाई तू हमारे मामले के बीच में मत पड़, अपना काम कर, समझा? तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब बात हद से पार कर चुकी है। तू इससे प्यार करता था,
और अब इसे पागल करके पागल खाने भेजना चाहता है। तुझे तो दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तू भी इसका साथ दे रहा है ना? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर ले। लेकिन मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है। पुलिस भी आ गई है। पुलिस? रजत, थैंक यू सो मच, आज तुमने मुझे पागल होने से बचा लिया। थैंक्स अ लॉट। दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। टेंशन ना ले, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। इसे इसे किए की सजा जरूर मिलेगी। और अगर तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बस अपने दोस्त को एक कॉल करना।